संगति का फल, पार्ट 14 संगति का फल। आप लोग सब भी टेक्स्ट बुक निकालकर पेज नंबर 29, पेज नंबर 29 पर टेक्स्ट बुक निकालकर देखिए। लेसन है संगति का फल, संगति यानी फ्रेंडशिप, फल यानी रिजल्ट। देखिए दो फ्रेंडशिप फ्रेंड्स के बीच में कैसा रिजल्ट रहता, आप यहाँ अपन देखेंगे। टेक्स्ट बुक निकालकर आप भी देखिए। देखिए जुम्मन और रामैया एक ही पाठशाला में पढ़ते थे। जुम्मन और रामैया दोनों फ्रेंड्स थे, एक ही पाठशाला, एक यानी एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों अच्छे मित्र थे, दोनों अच्छे अच्छे यानी दोनों बहुत फ्रेंडशिप थे, मित्र यानी फ्रेंड्स थे। राजैया एक दिन अपने बड़े भाई के साथ भगवान अयप्पा का भक्त बन गया। कौन? राजैया एक दिन क्या किया, अपने बड़े भाई यानी अपने इधर बड़े भाई अपने बिग ब्रदर के साथ वो क्या किया, भगवान अयप्पा का भक्त बन गया। भक्ति यानी डिवोटी। 40 दिन तक अपने उसने भगवान अयप्पा की पूजा की। 40 दिन, 40 यानी 40 डेज, 40 यानी 40 डेज तक वो क्या किया, अयप्पा की पूजा की। जुम्मन के साथ उसका मिलना कम हो गया, जुम्मन के साथ मिलना कम हो गया क्योंकि उसके बड़े भाई के साथ क्या किया, वो अयप्पा का भक्त बन गया। कितने दिनों के लिए? 40 दिनों के लिए वो अयप्पा का भक्त बन गया, इसलिए उसके फ्रेंड से मिलना कम हो गया। जुम्मन अकेला रहने लगा, जुम्मन अकेला यानी एलोन रहने लगा। एक दिन कुछ लड़के उसे खेलते दिखाई दिए। एक दिन क्या हुआ, उसका फ्रेंड क्या हो गया, अयप्पा का भक्त हो गया, वो अकेला अलोन हो गया। तो क्या करा वो, थोड़ी दिन के बाद क्या किया वो, कहीं खेलने में के लिए बाहर निकले तब थोड़े लड़के खेलते हुए उसे दिखाई दिए। वहां उन्हें देखने लगा, वो दूसरे लड़कों को खेलते वक्त देखने लगा। एक लड़के ने जुम्मन से कहा, एक लड़के ने, वो जो लड़के खेल रहे ना, वो लड़के ने क्या किया जुम्मन से, आओ मित्र तुम भी हमारे साथ खेलो, आओ फ्रेंड तुम भी हमारे साथ खेलो। खेलो जुम्मन भी खेलने लगा, वो सारे लड़कों के साथ क्या किया, जुम्मन भी उनके साथ खेलने लगा। उसे उनके साथ खेलना अच्छा लगा, सारे लड़कों के साथ खेलना उसे किसको अच्छा लगा, जुम्मन को अच्छा लगा। पाठशाला जाना भी उसने बंद किया क्योंकि वो जो लड़के खेल रहे वो पाठशाला जाने वाले लड़के नहीं थे, वो खेलने वाले लड़के थे। उनकी आदत में ही ये क्या हो गया, उनके साथ ही खेलना स्टार्ट कर दिया। तो जुम्मन पाठशाला उसने बंद किया। घर पर वह झूठ बोलने लगा, क्या करा जाए, घर पर क्या करने लगा, झूठ, सारे झूठ बोलने लगा, लाइफ बोलने लगा, पूरे गलत काम स्टार्ट कर दिया, बंद किया। घर पर वह झूठ बोलने लगा, दूसरे लड़कों को देखकर वह भी सिगरेट पीने लगा। क्या क्या, सारे दूसरे लड़कों के साथ जो लड़के खेल रहे ना, वो स्कूल जाने वाले लड़के ही हैं, वो बाहर हर वक्त खेलने वाले लड़के थे, उनके साथ ये भी उनके बराबर मिल गया। ये क्या किया, स्कूल जाना बंद कर दिया, झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया और सिगरेट पीना भी शुरू कर दिया। दूसरे लड़कों को देखकर वह भी सिगरेट पीने लगा। रात को देर से घर लौटने लगा, और क्या क्या, रात को घर से देर तक, रात को देर तक घर को लौटने लगा। माता पिता परेशान थे, माता पिता, देखिए लड़के देर से आने पर माता पिता क्या होते, परेशान हो जाते। इसी तरह जुम्मन के माता पिता भी क्या किए, परेशान हो गए क्योंकि ये देर तक घर लौटने लगा। अयप्पा की पूजा के बाद राजैया जुम्मन से मिला। जुम्मन उसका फ्रेंड जो अयप्पा के भक्त बन गया था ना 40 डेज के, वो लौट कर आने पर वह जुम्मन को देखा, जुम्मन को, वो अपने क्लोज फ्रेंड को देखा। तो क्या होगा, जुम्मन पाठशाला आने को तैयार ना था। क्या क्या, वो पाठशाला आने को तैयार नहीं था क्योंकि वो बुरी आदत हो गई उसको, सभी खेलने के लिए झूठ बोलना, सिगरेट पीना स्टार्ट कर दिया और स्कूल बंद कर दिया। राजैया की बातों का प्रभाव उस पर नहीं पड़ा। राजैया क्या किया, स्कूल चलने के लिए कहा था, वो चलने को तैयार नहीं था। कुछ दिन के बाद
वह लड़कों में पूरी तरह मिल गया। थोड़े दिन के बाद क्या किया, स्कूल सब बंद कर दिया, वो पूरे बुरे आदत बुरे लड़कों के साथ खेलना स्टार्ट कर दिया। कई बुरी आदतों का शिकार हो गया। कई बुरी आदत मैंने पूरे बैड हैबिट्स सीख लिया। कौन राजा है? संगति जैसी होगी फल भी उसी प्रकार होगा। देखिए जैसी संगति होती उसी तरह फ्रेंडशिप होती। आप अच्छे बैड हैबिट्स सीखे तो बैड थिंग्स आते, अच्छे गुड हैबिट्स सीखे तो गुड हैबिट्स आते। देखिए यहाँ सिगरेट पीना स्टार्ट कर दिया, स्कूल बंद कर दिया और सारे लड़कों के साथ देर तक घर लौटने लगा और पूरे बुरी आदत सीख लिया। कौन? रामायण जुम्मन। देखिए यहाँ आप लोग भी अच्छी आदत को सीखना और डेली क्या करना चाहिए, डेली अच्छी आदत सीखना और बुरे लड़कों की आदत को छोड़ देना चाहिए। देखिए यहाँ आप लोग भी टेस्ट बुक निकाल कर लेसन पढ़ना चाहिए। ये लेसन पढ़ने से आपको भी ये क्या है इसमें सीख मिलती है। देखिए अब यहाँ मीनिंग्स फर्स्ट में देखिए शब्दार्थ मीनिंग्स। भक्ति यानी डिवोटी, सेकंड अकेला एलोन, बंद करना स्टॉप, परेशान वरे, प्रभाव एफर्ट, बुरी आदत बैड हैबिट, संगति फ्रेंडशिप, फल यानी रिजल्ट। आप जो भी अच्छा फल किए अच्छा रिजल्ट आता है, आप जो बैड फल बैड रिजल्ट आता। देखिए यहाँ सेकेंड में क्वेश्चन आंसर्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जुम्मा नवाजया कायम थे। जुम्मा नवाजया कौन थे? आंसर जुम्मा नवाजया दोनों अच्छे मित्र थे, दोनों अच्छे फ्रेंड्स थे। सेकेंड क्वेश्चन राजया किन का भक्त बन गया? राजया किन का भक्त बन गया? आंसर देखिए राजया अय्यप्पा का भक्त बन गया। राजया अय्यप्पा का भक्त बन गया। थर्ड क्वेश्चन उसने कितने दिनों तक अय्यप्पा की पूजा की? उसने कितने दिनों तक अय्यप्पा की पूजा की? देखिए आंसर उसने 40 दिनों तक 40 डेज कितने 40 डेज दिनों तक उसने अय्यप्पा की पूजा की। फोर्थ क्वेश्चन जुम्मन क्या क्या करने लगा? देखिए यहाँ जुम्मन क्या क्या आदत सीख लिया। यहाँ देखिए आंसर जुम्मन बच्चों के साथ खेलने लगा और झूठ बोलने लगा, सिगरेट पीने लगा और देर तक घर लौटने लगा, देर तक घर लौटने लगा। फिफ्थ क्वेश्चन जुम्मन किनका शिकार हो गया? किनका शिकार? जुम्मन कई बुरी आदतों का शिकार, पूरे बैड हैबिट्स का शिकार हो गया। ये पूरा बुरी आदत को सीख लिया जुम्मन, कई बुरी आदतों का शिकार हो गया। देखिए थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स, थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन दोनों डैश मित्र थे, दोनों डैश मित्र थे। देखिए ऑप्शंस कच्चे और अच्छे, दोनों अच्छे मित्र थे। जो करके इसको यहाँ टिक करना चाहिए, यहाँ राइट डालना, दोनों अच्छे मित्र थे। सेकंड वन जुम्मन के साथ उसका डैश कम हो गया, जुम्मन के साथ उसका डैश कम हो गया। यहाँ जलना और मिलना, कौन सा गलत है? मिलना और यहाँ मिलना लिखकर यहाँ टिक करना चाहिए। थर्ड वन तुम भी हमारे डैश खेलो, तुम भी हमारे डैश खेलो साथ साथ। यहाँ यहाँ डिफरेंस है, देखिए साथ यहाँ पर टिक करके यहाँ आंसर लिखना चाहिए। फोर्थ वन कई बुरी डैश का शिकार हो गया, कई बुरी डैश का शिकार हो गया। सीधतों और आदतों, आदतों और टिक करके यहाँ आंसर में करेक्ट आंसर लिखना चाहिए। देखिए ना फोर्थ बिट खरीदा क्रिया वर्ब है यहाँ, तब सही प्रयोग करो। यहाँ काम के बारे में बताने वाले को क्या कहते हैं? क्रिया, क्रिया यानी वर्ब। देखिए खरीदा फर्स्ट वन राम ने एक फल खरीदा। देखिए यहाँ राम ने फल खरीदे, राम ने फल खरीदे। सेकंड वन राम ने एक किताब खरीदा, इसको क्रिया काम के बारे में बताने वाले को क्रिया और इंग्लिश में इसको वर्ब कहते हैं। राम ने कई किताबें खरीदी, राम ने कई किताबें यानी
कंप्लीट करना चाहिए अप टू 14th लेसन, मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर्स, टिक द करेक्ट वन, और ये फोर्थ बिट वर्ब क्रिया, ये फोर बिट्स फेन नोट में बिट वाइज फेन नोट कंप्लीट करना चाहिए। देखिए आज का होमवर्क, राइट मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर्स वन टाइम, टू टाइम्स रफ नोट बुक लिखना, टू टाइम्स रफ नोट बुक में फेन नोट अप टू 14th लेसन कंप्लीट करना चाहिए, और नीट हैंडराइटिंग के साथ फेन नोट पूरा अप टू 14th लेसन फेन नोट पूरा कंप्लीट। थैंक यू।